शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोलते? आज कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, आज इंसानियत का मसला है, आज रोजगार का मसला है, आज नौकरियों का मसला है, आज पकौड़े बेचने का मसला नहीं है। यहाँ का सारा वोट कन्हैया कुमार जी को जा रहा है, मनोज तिवारी नचनिया है उसको एक भी वोट नहीं जा रहा है। ये पहला बिहारी तो नाकारा निकला, दूसरा पे हमें भरोसा है, दूसरे पे भरोसा है। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाकर जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस बार किसे अपना प्रधानमंत्री चुनने वाली है और यहाँ के सांसद ने 10 साल में कितना काम किया, कितना विकास किया यहाँ के लोगों का। तो आज हम यहाँ पर राजा मार्केट में मौजूद हैं, सीधे यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और उनके पूछने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या बन रहा है और उनका मूड क्या है इस बार। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज खान है और मैं इसी लोकल एरिया का रहने वाला हूँ। और जैसे आप जानिए तो मैं दिल्ली महिला आयोग से भी जुड़ा हुआ हूँ और आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको आशा दिलाता हूँ जो भी आप प्रश्न पूछेंगी उसके मैं निष्पक्षता से जवाब दूंगा। 10 साल में यहाँ पे मनोज तिवारी रहे सांसद बनकर, कितना विकास के लिए काम? मैम नचनिया सांसद कही है, उनकी आज तक मनोज तिवारी जी की किसी ने शक्ल नहीं देखी होगी। मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जो हमारे इलाके के मौजूदा सांसद है मनोज तिवारी जी, जो कि भाजपा से हैं, वो 10 साल में एक भी बार ना तो वेलकम में आए हैं, ना मुस्तफाबाद में आए हैं, ना करावल नगर में आए हैं, ना रोहतास नगर में आए हैं, ना बाबरपुर में आए हैं। वो एक ही जगह आते हैं, जमुना बिहार के अंदर। अच्छा। पता नहीं उनको जमुना बिहार के लोगों से कितना प्यार है। यहाँ के लोगों को प्यार नहीं है। लोकसभा आपको 10 विधानसभा के लोगों ने वोट दे करके चुना, ठीक है, आप एक इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये तरीका गलत है। उसके बाद आप एक मैगजीन निकालते हैं, ड्रामा मैगजीन, जिसको मैं ड्रामा मैगजीन कहता हूँ, मैंने खुद पढ़ा उस मैगजीन को, मेरे पास है भी। उसमें लिखा है कि मनोज तिवारी जी ने 303 करोड़ रुपए का सातली पार्क वाला पुल बनाया, जो कि बहुत ही गलत है। वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रोजेक्ट बना था, ठीक है। दूसरा आम आदमी पार्टी ने सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया, मनोज तिवारी जी पहुंच गए, ठीक है। मनोज तिवारी ने क्या किया वहां पे? पॉलिटिकल ड्रामा किया जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ। आज दिल्ली के अंदर अधिकांश, मैं आज आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल से काम से लोग खुश हैं, और आज ही अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दें या कहीं भी डाल दें, अरविंद केजरीवाल ना तो रुका है और ना रुकेगा। और रही जहां पे भाजपा ने एक नारा भी दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, 400 पार। मैं अमित शाह जी तली पार है, उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने ये जुमले उस जगह इस्तेमाल कीजिए जहां पर अच्छे लगते हो। 15 लाख हमें अभी तक नहीं मिले, आपने कहा था 15 लाख देंगे, 15 लाख नहीं मिले। 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो भी नहीं मिला, सब जुमला था। फिर कहने लगे जी चलिए कोई बात नहीं, रोजगार छोड़िए, अब युवा लोग पकौड़े बेचिए। अरे बताइए जी, GST का भाजपा गुजरात के अंदर विरोध करती थी, आज सत्ता में आने पर उसी GST को लागू कर देती है, ठीक है। वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है, प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोलते? आज भाजपा कहती है कि हमारी पार्टी में सारे नेता अच्छे हैं। कुलदीप सेंगर कौन है बताइए? कुलदीप सेंगर कौन है बताइए? ब्रिजभूषण कौन है बताइए? जिनने जंतर मंतर पे पहलवानों के साथ बदसलूकी की, वो है ब्रिजभूषण। कुलदीप सेंगर कौन है? भाजपा का विधायक है जिनने उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़की का रेप किया। सारे तो भाजपा के अंदर मौजूद है और आप विपक्ष को टारगेट करते हैं। आप विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष हमें खत्म करना चाहता है, विपक्ष आपको खत्म नहीं करना चाहता, विपक्ष आपकी कमियों को गिनवा रहा है। भाजपा के तमाम नेताओं के जो दोषी है उनकी फहरिस्त गिना दी है। आम आदमी पार्टी का आपने शुरू में नाम लेते कि उनसे जुड़े हुए हैं, पर आम आदमी पार्टी और उनकी सिटिंग
जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो तिहाड़ जेल में है शराब घोटाले में, एक पर एक फ्री। मैम एक पर एक फ्री का सवाल तो ये है, जब आया तो सभी ने लूटा ना, जब आया तो सभी ने लूटा कि आधा तू भी खाओ और आधा मैं भी खाऊंगा। अब एक को जेल में घसीट करके कोई कसूरवार नहीं खड़ा। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो सिटिंग मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया है, ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कितने बड़े नीच परिवार से आते हैं। भाजपा के जो लोग हैं जो ईडी सीबीआई को हथियार बना करके आज जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सबसे बड़ा मुद्दा है ना देश का, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सबसे बड़ा मुद्दा है ना। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर किस पार्टी को चंदा नहीं मिला बताइए? भाजपा को भी मिला, कांग्रेस को भी मिला, आम आदमी पार्टी को भी मिला, जेडीयू को भी मिला, आरजेडी को भी मिला, सीपीआई को भी मिला, सीपीआईएम को भी मिला, सारी पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा चंदा मिला। कितने दिया? शरण चंद्र रेड्डी ने दिया। अब जब शरण चंद्र रेड्डी बयान देता है 2023 के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल का नाम क्या लेता है? सी अरविंद केजरीवाल। अच्छा। कि मैंने अरविंद केजरीवाल के सामने मनीष सिसोदिया को एक फाइल दी। सभी पार्टियों ने चंदा लिया, कांग्रेस भी शामिल है उसमें, पर अब तो अरविंद केजरीवाल उसी गठबंधन में शामिल है जिसमें कांग्रेस है। देश जब खतरे में आ जाता है ना, जब संविधान खतरे में आ जाता है, भ्रष्टाचार के साथ मिल जाएंगे तो भ्रष्टाचारी बताइए ना आज कौन नहीं है? वो भी कांग्रेस। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अलग है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अलग है। और जब संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात आती है तो मसला अलग है। आज कॉन्स्टिट्यूशन, आज कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, आज इंसानियत का मसला है, आज रोजगार का मसला है, आज नौकरियों का मसला है, आज पकौड़े बेचने का मसला नहीं है। ये मैं आपको बता दूंगा, पकौड़ा बेचने का मसला नहीं है। और जो आज इस देश के अंदर एक नफरत वाली राजनीति खेली जा रही है, कह रहे हैं कन्हैया कुमार को लिया है, कन्हैया कुमार को ले आए, किसी और को ले आते। तो जो हमारे भाजपा के कुछ मित्र हैं, उस लोकसभा से भी हैं, और नचनिया सांसद जी अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो देख लें, सांसद जी आप अपने गाने ही गाइए, आप अपने गाने ही गाइए, गाने में है आप मत, जाकर के भाजपा को अपने गाने सुनाइए। हमारी लोकसभा को आपकी जरूरत नहीं है। हमने पढ़े लिखे जी टेन जानकारी तो आपको एमए वालों से भी ज्यादा है। देखिए हम यहीं के रहने वाले हैं और शुरू से राजनीति की है, लेकिन टिकट आज तक नहीं मांगा है और ना मांगेंगे, क्योंकि फिर आप मुझे ही भ्रष्टाचारी कह देंगे, फिर आप कल को मुझे ही भ्रष्टाचारी कह देंगे। तो मुझे वोट मांगना या नहीं मांगना वो अलग बात है, लेकिन कैसे जीतेंगे यहाँ से? कन्हैया कुमार जी को कोई नहीं रोक रहा है, ये मेरा लोकल का सर्वे है। हम लोग जब बैठते हैं तो लोगों से बात होती है कि भाई बताइए किससे वोट देंगे। लोग कहते हैं कि भाई हम तो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। इंडिया गठबंधन से कौन है प्रत्याशी? कन्हैया कुमार जी। ठीक है, तो यहाँ का सारा वोट कन्हैया कुमार जी को जा रहा है। मनोज तिवारी जो नचनिया है उसको एक भी वोट नहीं जा रहा। अब तो दोनों बिहारी आ रहे हैं दिल्ली। देखिए पहला बिहारी तो नाकारा निकला, दूसरा पे हमें भरोसा है, दूसरे पे भरोसा है, क्योंकि वो जानता है, वो छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ है। मनोज तिवारी तो डांस करते थे, मनोज तिवारी तो नाचते थे, कभी हेमा मालिनी के साथ, कभी सपना चौधरी के साथ, आज वो सांसद बन गए। देखिए तो मनोज तिवारी जी यही कहना चाहते हैं कि अपना पेशा ही करें, अपना पेशा ही करें, दूसरों के ऊपर तना कसी ना कसे। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं, आज आप लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड पर अरविंद केजरीवाल को घेर रखा है। मैडम मैं आपका इशारा भी समझता हूं, क्योंकि न्यूज चैनल बड़ी वकालत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, ये बताइए। मैं वकालत नहीं कर रहा, जो आपका इशारा बार बार जो है ना, मैं समझ रहा हूँ। आप इलेक्शन बॉन्ड पे ही चाह रही है कि मैं बात करूँ, इलेक्शन बॉन्ड पे ही आप चाह रही है मैं बात करूँ। ये चाह रही हूँ, आपने हवाई चप्पल पहनी, हवाई जहाज की यात्रा करी या नहीं करी? हैं मोदी जी ने हवाई जहाज हम जैसे गरीबों के लिए नहीं, मनोज तिवारी जैसे के लिए खोल रखे हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं खोल रखे। अडानी जैसे अडानी पर सवाल पूछते हैं राहुल गांधी, तो मोदी जी को मिर्ची लग जाती है।
अडानी जी को आपने रफाइल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सारी चीजें तो आप बेच देंगे, सारी चीजें तो इन्होंने बेच दी, भाजपा के लोगों ने सारी चीजें बेच दी मैडम, है बाहर विदेशी कंपनी लोगों को बेच दी। आज एक मुद्दा साफ है, चुनाव में एक मुद्दा साफ है, पहले 2023 के अंदर 2022 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर झगड़ा हुआ, मनोज तिवारी कहाँ था? पहला सवाल, जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर औरतें पिट रही थी, बच्चे पिट रहे थे, नौजवान पिट रहे थे, तो मनोज तिवारी कहाँ था? दूसरा सवाल, जब नॉर्थ ईस्ट की पूरी जनता जल रही थी, मस्जिद मंदिर सबके ऊपर पत्थर मारे जा रहे थे, तो मनोज तिवारी कहाँ था? नंबर थ्री, जब नोटिस अच्छा, चल रहा था, मैं एक मिनट जब मनोज तिवारी यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे सवाल पूछेंगे ये? मनोज तिवारी जी हमारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं करी। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने दो बार मनोज तिवारी को घेर लिया है ना, अच्छा, एक बार तो हमने कनॉट प्लेस में घेर लिया, उनकी हिम्मत नहीं होती नई इलाके में आने की, और अगर वो आ भी जाएंगे तो आएंगे ही वोट मांगने। देखिए जब कुत्ते को लगता है कि मुझे हड्डी चाहिए तो इलाके में तो जाना पड़ता है, जब कुत्ते को लगता है कि हड्डी मुझे चाहिए तो कहीं तो ढूंढेगा कि बारात कहाँ हो रही है, जहाँ पर जाकर के हड्डी खाई जाए। चलिए, रहमान नाम है ना आपका? फिरोज नाम है। आप तो नाम भी भूल गए मैडम। फिरोज नाम है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि नाम सेम लगते हैं। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है, यह आपके लिए कहना चाहता हूँ मैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये थे यहाँ पर फिरोज राजा मार्केट में, हालांकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल की काफी वकालत की है, और मनोज तिवारी को कहा है कि अब की बार आएंगे तो उनको भी अपने सवालों से ये घेरेंगे। पर देखिए, सवाल वही है, लोकसभा का बड़ा चुनाव, प्रधानमंत्री का, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, 140 करोड़ की जनसंख्या इस बार किसकी तरफ है और किसकी तरफ नहीं है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।